बिहार के नालंदा में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जिस तरह से आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, ठीक वैसा ही खौफनाक मामला नालंदा के नूरसराय थाने से सामने आया है। दरअसल नालंदा में एक लड़के का मर्डर किया गया, जहां लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस ने शव के टुकड़ों के जरिए उसकी पीड़ित की पहचान की। पीड़ित का नाम 30 साल के नरेश चौधरी के तौर पर हुई है। बेरहम हत्याकांड में पुनपुन नदी से नरेश का सिर मिला तो पंचाने से उसका धड़ मिला। वारदात के बाद जांच में जुटी नूरसराय पुलिस ने एक कपल को मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी का कनेक्शन एक पुलिस शिकायत है, जिसमें चौधरी के परिजनों ने युवक के लापता होने की रिपोर्ट सिलाव थाने में दर्ज कराई। शिकायत में परिजनों ने हाथ में बंधे कंगन और कलाई में जले के निशान होने की पहचान की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और बर्रा खुर्द की रहने वाले रंजन कुमार और उसकी पत्नी ज्योति को हिरासत में ले लिया। कपल की निशानदेही के बाद पंचाने नदी से धड़ और फतुहा में पुनपुन नदी से सिर को बरामद किया गया। साथ ही पूछताछ में कपल ने खुलासा किया कि ज्योति का शादी के पहले विकास के साथ अफेयर था। ज्योति के मायके में विकास चौधरी किराए पर रहकर 10 साल पहले कंपटीशन की तैयारी करता था, तभी से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। इसी बीच रंजन और ज्योति की शादी हो गई, बावजूद इसके लव अफेयर कायम रहा। हालांकि हाल ही में ज्योति ने विकास को मिलने के लिए अपने ससुराल बुलाया, इसी दौरान उसने पति और कुछ लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। वारदात के बाद उसके शरीर के 6 टुकड़े कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।